नमस्कार दोस्तों, झारखंड एसएससी के द्वारा बंपर वैकेंसी दे दिया गया है। ये जो वैकेंसी है ये 12th पास को भी भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम का नाम क्या है। दोस्तों ये जो एग्जाम है इसका नाम है झारखंड इंटरमीडिएट स्टेज कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग कम्बाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023। ये जो एग्जाम है इसके डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो है इस प्रकार से, देख लीजिए। अनारक्षित ओबीसी वन और ओबीसी टू का जो फी है वो 100 रुपये, अनुसूचित जाति यानी SC और ST अनुसूचित जनजाति का जो फी है वो है 50 रुपये। इसके अलावा फी में छूट दिया जाएगा किसको, जो 40% डिसेबल है, यानी कि 40% जिसका 40% से अधिक जिनका शरीर अविकसित है। इसके बाद देखते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। इसमें जो वैकेंसी है वो दो तरह के पोस्ट है, एक है जूनियर क्लर्क और एक है स्टेनोग्राफर। जूनियर क्लर्क का जो पोस्ट है वो टोटल है 836 और बैकलॉग का है 1 और स्टेनोग्राफर का टोटल है 27 पोस्ट। टोटल पोस्ट हमारा कितना हो गया इस प्रकार 864। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन बस 12th पास है यानी इंटरमीडिएट। इसके अलावा अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम इस प्रकार होना चाहिए। अनारक्षित और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितना होना चाहिए मैक्सिमम, वो जा सकते हैं 35 वर्ष, ओबीसी वन और ओबीसी टू के लिए 37 वर्ष और महिला है तो उनके लिए 38 वर्ष। महिला किसी भी कैटेगरी का हो उनके लिए 38 वर्ष। SC और ST का जो अधिकतम आयु है मैक्सिमम एज वो है 40 वर्ष। और इसके अलावा 10 साल जो 10 ईयर्स एक्स्ट्रा दी जाएंगे इनके लिए जो 40% अधिक डिसेबल है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फोटो और सिग्नेचर रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना भूल गए यहाँ पर, मोबाइल नंबर और क्या लगेगा ईमेल आईडी। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन के लिए आपको लगेंगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इस प्रकार से, अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो इस डेट के पहले नहीं बना होना चाहिए, यानी कि 2 तारीख 6 महीना 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। और इसके बाद का अगर जो बना होगा तो वो SDO से बना होना चाहिए, और अगर इस डेट से 19/7/2019 के बाद का बना होगा तो आपका CO से बना होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो 25 तारीख 2nd महीना 2019 के बाद का है तो आपका CO से वेरीफाइड होना चाहिए, यानी कि अप्रूव होना चाहिए। और अगर 29/8/2012 के बाद का है उसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का है तो आपका SDO से अप्रूव होना चाहिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा और फिर आप वहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो पुराने मतलब पिछले साल जो भरे थे इस फॉर्म को, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन या जन्मतिथि नंबर होगा तो अगर आप इस बार डालेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम फी नहीं लगेगा। जिन्होंने पिछले बार रजिस्ट्रेशन किया था उनको इस बार एग्जाम फी नहीं देना था। तो चलिए देखते हैं इसका जो डेट कब से शुरू होगा। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 20 तारीख से शुरू है यानी 20 अक्टूबर से और लास्ट डेट 19 नवंबर तक है। इसमें दोस्तों आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक ही बार में सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको अगले दिन फॉर्म फिलअप करने के बाद अगले दिन आपको फी जमा करना होगा और फिर उसके अगले दिन फी जमा करने के अगले दिन आपको फोटो और साइन अपलोड करना होगा। इसलिए तो यहाँ पर दिया गया है कि स्टार्ट लास्ट डेट के बाद आपको जो फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 22 नवंबर तक, यानी कि लास्ट डेट के उसके 3 दिन बाद तक भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और फोटो और जो साइन अपलोड का लास्ट डेट है वो है 25 नवंबर तक। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ गलती भर दी है या कुछ भी मिस्टेक हो गया है तो आपको सुधारने के लिए डेट दिया जाएगा। डेट जो दिया जाएगा वो है 27 नवंबर से 29 नवंबर तक। इसके बीच में आप अपना कुछ भी अगर भरने में मिस्टेक हुआ है तो उसको सुधार सकते हैं, इसके बाद कोई भी डेट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें एग्जाम की तो चलिए देखते हैं, ये जो है ये वन स्टेज एग्जाम है, यानी कि ये जो है सो इसमें सिर्फ मेंस लिया जाएगा, इसमें फिजिकल नहीं है मेडिकल नहीं। उसके बाद ये जो है इसका एग्जाम OMR बेस्ड है, यानी कि इसका एग्जाम OMR शीट पर दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो है एक क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का होगा, अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको एक नेगेटिव मार्क्स मिलता है।
बात करें इसमें पेपर्स, तो पेपर्स तीन होंगे और तीनों तीन पाली में रह जाएगा, तीन सीटिंग में होगा और प्रत्येक सीटिंग दो दो घंटे का होगा। पहला पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, उसमें टोटल 120 प्रश्न होंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंग्वेज से, हिंदी के होंगे 60 और इंग्लिश के होंगे 60। दूसरा है पेपर टू, उसमें आपको मतलब कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें जो है सो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ के क्षेत्रीय भाषा से, जिसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है, 30% लाना मैंडेटरी है मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए। उसके बाद है पेपर थ्री में, पेपर थ्री में आपको पूछा जाएगा जीएस, झारखंड जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें इसमें आपको 120 प्रश्न होंगे और इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी है सामान्य, ये जो है ये आपका सामान्य ज्ञान है, इसमें जिसमें ऐसा पूछा जाएंगे इसमें आपको 30% लाना जरूरी है। दोस्तों अगर बात करें स्किल टेस्ट की, तो उसमें शॉर्ट हैंड में आपको हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने होंगे और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने होंगे और SST को 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना होगा। और हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड 10 मिनट तक टाइपिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको 250 वर्ड टाइपिंग करना है, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट से आपको टाइपिंग करना हो तो आप 250 वर्ड टाइपिंग कर सकते हैं। अगर बात करें सैलरी की, तो स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम सैलरी 25,500 से लेके 81,100 तक है और जूनियर क्लर्क के लिए 19,900 से लेके 63,200 तक है। दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपका सब करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर इसका वेरीफाई किया जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसको वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। धन्यवाद।